हेलो, जिनका सेमेस्टर 6 है और जिनका मेन हिंदी है, उनके पेपर नंबर 22 में एक प्रश्न है। भक्तिन रेखा चित्र का सारांश लिखकर उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, अथवा भक्तिन रेखा चित्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उसकी तात्विक समीक्षा कीजिए, अथवा भक्तिन का शब्द चित्र अंकित करते हुए उसकी चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा रेखा चित्र की मूल विशेषताओं के आधार पर भक्ति ने रेखा चित्र की समीक्षा कीजिए, अथवा भक्ति में सफल रेखा चित्र की प्रायः सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है। इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें पूर्व भूमिका, भक्तिन रेखा चित्र का सार संक्षेप, भक्तिन रेखा चित्र की तात्विक समीक्षा अर्थात विशेषता, भक्तिन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, उपसंहार के रूप में इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति एवं पशु पक्षियों पर सुंदर रेखा चित्र बनाए हैं। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी आदि किताबों में संकलित है। इस पुस्तकों में स्मृति की रेखा एक बहुत बड़ी लोकप्रिय है। इस किताब की प्रमुख रेखा भक्तिन है। महादेवी वर्मा की कलम से भक्तिन का चरित्र चित्रण अत्यंत सजीव हो उठा है। भक्तिन रेखा चित्र का सार संक्षेप देखते हैं। भक्तिन का वास्तविक या माता पिता द्वारा रखा गया नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी है। भक्तिन नाम तो महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया है। यह नाम उसे अच्छा लगा हो या नहीं, परंतु वह प्रसिद्ध तो उसी नाम से हो गए। भक्तिन के पिता के आसपास के भक्तिन के पिता के आसपास के निवासी और थे। अभी वह अबोध बालिका ही थी,
कि माता का देहांत हो गया। उसकी माता के देहांत के कुछ समय बाद ही पिता ने दूसरी शादी कर ली। लाड प्यार में पली बालिका लक्ष्मीन पर वी माता द्वारा तरह तरह के अत्याचार किए जाने लगे। अनेक प्रकार के कष्ट सहकर वह पलने पुसने लगी। अतः उसके व्यक्तित्व का विकास कुछ विशेष न हो सका। उसका शरीर दुबला, छोटा कद, पतले होठ, दृढ़ संकल्प शक्ति प्रकट करने वाले थे। उसकी छोटी छोटी आँखों में गहन समझदारी का भाव झांकता दिखाई देता है। उसका रंग गेहूआ था। जब और उसने गले में एक कंठी यानी कि माला भी पहन रखी थी। उसकी धोती भी मैली सी ही थी। यही सब देख सुन लेखिका ने उसका नामकरण भक्तिन कर दिया। सौतेली माँ को कष्टदायक वातावरण की छाया में पलती हुई लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी जब 9 साल की हो गई तो हटिया गांव के एक संपन्न छोटे से अहीर लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसकी सूचना विमाता ने काफ़ी समय के बाद दी। यहाँ सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, अतः जब उसने भी बिना वास्तविकता बताए भक्तिन की मायके भक्तिन को भेजा तो वहाँ आकर पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली तो वह बड़ी दुखी हुई। किंतु वी माता का अशिष्ट अपमानजनक व्यवहार देखकर तत्काल ससुराल लौट गई। अपने साथ साथ अपनी नन्ही बेटियों की दुर्दशा जब उसके लिए असह्य हो गई तो उसने संयुक्त परिवार से अलग होना ही योग्य समझा। पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हो गया। अपने हिस्से की खेतीबाड़ी, पशुधन आदि पाकर वह संतुष्ट हो गई और गृहस्वामिनी बनकर अलग अलग रहने लगी। समझदार और कर्मशील लक्ष्मी कुछ दिनों बाद बड़ी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। पर तभी फिर दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया। सिर्फ 19 वर्ष की आयु में उसके पति का देहांत हो गया। अपनी दो छोटी कन्याओं के साथ दुख झेलने के लिए वह अकेले ही रह गई। जल्दी ही उसने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया और बड़ी बेटी को सहपरिवार अपने घर ले आई ताकि जमीन जायदाद की व्यवस्था संभाल सके। बड़े दामाद की को घर जमाई बना लिया। तभी फिर एक बार भाग्य ने उस बेचारी को साथ नहीं दिया। उसका घर जमाई चल बसा। लक्ष्मीन ने जेठ के लड़के ने एक नालायक साले के साथ लड़की का पुनर्विवाह करने का प्रयास किया।
परंतु भक्तिर और उसकी बेटी दोनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इस पर एक दिन जब उसके और इस पर एक दिन जब उसके परिवारजनों ने षड्यंत्र करके उस नालायक लड़की को उस समय लड़की के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जब वह घर में अकेली थी। हालांकि वह बदमाश लक्ष्मी की लड़की का कुछ बिगाड़ नहीं सका, परंतु पुरुष प्रधान पंचायत के दबाव में आकर बेचारी भक्तिन को उस बदमाश को अपने घर में रखना पड़ा। बाद में उस लड़के ने षड्यंत्र करके बेचारी भक्तिन को इस सीमा तक विवश कर दिया कि समय के मुताबिक लगान भी भर ना सकी। इसी कारण निर्मम जमींदार ने जब उसे दिन भर धूप में खड़ी रहने को विवश किया तो अपमान से आहत होकर वह सब कुछ त्याग कर इलाहाबाद में पहुंची और सौभाग्य से लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका का कार्य करने लगी। इसके बाद से भक्तिन का जीवन भक्तिन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। महादेवी और महादेवी जैसी सुरुचि संपन्न विदुष के साथ रहकर भी भक्तिन एकदम देहाती बनी रही। वह कोई भी स्वरूप में नहीं बदल पाई। खान पान आदि के संदर्भ में लेखिका को अपना स्वभाव बदल लेने के लिए अवश्य विवश कर दिया था। इसके बाद लक्ष्मी के जीवन में नया परिवर्तन तो नहीं आया, परंतु ग्रामीण नारियों के प्राकृतिक दुर्गुण उसमें विद्यमान थे, जैसे झूठ बोलना, इधर उधर पड़े रुपये उठाकर चौके में रखी हड्डियां में छिपा देना, अगर पता चल गया तो गुनाह चुपचाप स्वीकार कर लेना, बल्कि तर्क द्वारा अपनी बात और कार्य को योग्य ठहराना, उसके अंतरंग स्वभाव जैसी विशेष बातें उसके व्यक्तिगत स्वभाव के साथ जुड़ी हुई थी। रात को सबके सो जाने के बाद एकांत पाकर जब लेखिका लिखने बैठती तो भक्तिन भी चुपचाप एक कोने में बिछी दरी पर आ बैठती। उनका संकेत पाते ही पुस्तक या हर वस्तु उठाकर वह उनके समक्ष तत्काल लाकर रखती। जिस वक्त उसकी जरूरत होती, रात के वक्त देर करके सीने के बावजूद भी वह सुबह लेखिका के पहले ही उठ जाया करती और कमरे में सो रहे कुत्ते बिल्ली हिरनी आदि को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल देती। इससे स्पष्ट है कि लेखिका का संबंध भक्तिन के साथ सेवक सेविका का न रहकर अभिभाविका जैसा बन गया था।
अनपढ़ अशिक्षित एवं निपट देहातीन होते हुए भी भक्ति में सरल व्यावहारिक बुद्धि का अभाव नहीं था। अपनी इसी बुद्धि से वह तुरंत जान लिया करती थी कि लेखिका को मिलने आने वाले लोगों में से किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अपने समस्त दुर्गुणों के बावजूद भी वह लेखिका के प्रति आत्मिक दृष्टि के से संपूर्ण समर्पित थी। तभी तो चीन द्वारा आक्रमण के समय लेखिका को लेकर उसका मन अत्यधिक विचलित हो उठा था। उन दिनों भक्तिन का दामाद उसे गांव ले जाने के लिए आया, पर उसने महादेवी को अकेले छोड़कर आने से साफ इनकार कर दिया। भक्तिन ने लेखिका को सलाह दी कि जब तक युद्ध का वातावरण बना है वह भी उनके साथ अपने गांव चले। जब लेखिका ने धनाभाव की बात कही तो कंजूस समझी जाने वाली बालमती की मन ने अपनी कुल जमा कुंजी के 105 रुपये निकालकर लेखिका के सामने रख कर उसे चकित कर दिया। उसे लेखिका कंजूस एवं अनुदार मानती थी, पर अब उसे अपना विचार बदल देना पड़ा। वह लेखिका के साथ जेल जाने का भी निर्णय करती है। यहीं पर यह रेखाचित्र भक्तिन के समर्पित भाव को लेकर पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं भक्तिन रेखाचित्र की तात्विक समीक्षा या फिर विशेषताएं। स्मृति की रेखाएं नामक रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने पहला स्केच एक अनाथ अहीर गोपालिका का किया है। उसका नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी के चरित्र को आधार बनाकर रेखाचित्र में लक्ष्मीन की अनेक विशेषताएं दिखाई गई है। प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी ने प्रमुख विशेषताएं रखकर ग्रामीण समाज की व्यक्ति को उजागर करने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं। अब हम उनकी विशेषताओं भक्तिन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बाह्य व्यक्तित्व का चित्रण है, आंतरिक व्यक्तित्व है, कठोर परिश्रमशीलता है, समझदारी भरी व्यवहार कुशलता है, स्वाभिमान से छलकता व्यक्तित्व है, स्वामी सेवक का संबंध है, चारित्रिक विशेषताएं हैं, संक्षिप्तता और सांकेतिकता है, विश्वसनीयता है, चित्रात्मकता है। यह सारी उसके चरित्र की विशेषताएं है। अब इन विशेषताओं को हम देखते हैं। बाह्य व्यक्तित्व का चित्रण, महादेवी ने भक्तिन की आकृति पर भी प्रकाश डाला नहीं है, पर उसके शारीरिक गठन की ओर अवश्य संकेत दिया है। उसका कद ठीकना एकदम छोटा सा, शरीर दुबला पतला, होंठ पतले, शायद वह नीचे भी होंगे। इसलिए उनके काने में दृढ़ संकल्प किया था, लगता था कि था जो भी काम मिलेगा वो जरूर करेगी।
उसकी आंख छोटी सी थी मगर उनमें से विचित्र समझदारी झलक रही थी। जिस वक्त महादेवी जी के पास आई तब उसका सिर मुड़ा हुआ था, गले में वैराग्य और वैष्णव धर्म में दीक्षा सूचक कंठी पड़ी हुई थी। वह किसी कुल की नववधु होने की सूचना देती मैली धोती उसने पहन रखी थी, जिसके आंचल से सिर को ढका हुआ था। अब हम देखते हैं उसका आंतरिक व्यक्तित्व। तो भक्ति का आंतरिक सौंदर्य ही उसके व्यक्तित्व को निखार देता है और उसका चित्रण लेखिका ने सूक्ष्म रूप से आचरण अनेक मान्यताएं आदि शामिल किया है। अब हम देखते हैं कठोर परिश्रमशीलता। भक्ति ने दुख से तपी हुई नारी है, इसलिए उसके सभी कार्य में गतिशीलता और परिश्रम झलकता है। पिता के घर पर तो उसको क्या क्या काम करना पड़ा, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया था। कुछ समझदारी के लायक हुई तो वी माता ने 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया, वहाँ उसे अवश्य काम करना पड़ा। परिवार की जेठानियाँ गप्पे लड़ाती और भक्ति काम करती थी। समझदारी भरी व्यवहार कुशलता के विषय में देखे तो भक्ति लोक व्यवहार में चतुर है। पति को अपने अनुकूल देखकर उसका लाभ भी उठाती है, जेठ जेठानियों से अलगोजा कर लेती है, ले लेती है। बंटवारे के वक्त पर अच्छी अच्छी भूमि और गाय भैंस ले लेती है, क्योंकि उसको ज्ञात था कि कौन सी जमीन पर अच्छी फसल आ सकती है और कौन सी बंजर। जेठ जेठानियों की चाल बाजी समझ जाती है, उसकी भूमि हथियाने के लिए दूसरा घर कराने को कहती है, मगर इसकी बातों में भक्तिन आती नहीं है। मगर आगे के लिए भी उसका मुंह बंद करवा देने के लिए अपना सिर मुंडवा कर गले में कंठी धारण कर लेती है। इससे फिर पुनर्विवाह का प्रश्न ही खड़ा न हो। यहाँ पर उसकी समझदारी भरी व्यवहार कुशलता दिखाई देती है। अब हम देखते हैं स्वाभिमान से चलता व्यक्तित्व। भक्तिन का पूरा व्यक्तित्व स्वाभिमान से चलता है। ससुर पक्ष में किए जाते अत्याचार सहन कर लेती है। पिता की मृत्यु हो जाती है, अपने नेहर जाने पर ज्ञात होता है। विमाता का तिरस्कार युक्त सत्कार सहन नहीं कर पाती और घर का पानी भी नहीं पीती। जमींदार का अपमान भी सह नहीं सकती। जेठ जेठानियों द्वारा सौंपे गए दामाद को भी रचनाकार नहीं अपनाते। इसका स्वाभिमान अनेक जगहों पर छलकता है। यही तो भक्तिन की विशेषता है। स्वामी सेवक का संबंध। भक्तिन का भाव अपने
स्वामी को समर्पित है और पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी रहती है। महादेवी के इशारों पर कार्य की समझ लेती है। देर रात जागने के बावजूद सुबह उससे पहले जाग जाती है, अपने साथ गांव चलने को कहती है। तब लेखिका पैसों का अभाव है ऐसा कहती है, तब अपने पास के पैसों को खुला रख देती है। उसके चारित्रिक विशेषताएं, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, तो बेचारी भक्तिन का क्या दोष, कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करती थी। लेखिका के इधर उधर रखे पैसों को उठाकर हड्डिया में डाल देती है, फिर अगर पकड़ी जाए तो सहज प्रत्युत्तर भी दे देती है कि अपने घर में पड़ी चीज़ों को संभाल कर रखना क्या बुरा है। संक्षिप्तता और सांकेतिकता, चित्रों के समान रेखा चित्रों में भी लेखिका का की हर बात वर्णन द्वारा प्रस्तुत करने के लिए स्थान और समय का अवकाश नहीं हुआ करता। उससे सांकेतिक रंग शब्दों के द्वारा भरकर और कोई भी बात की संक्षिप्तता में रखना कठिन होता है। निम्न उदाहरण से ज्ञात होता है कि हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय, भैंस और फलों के लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानी की मुंह में पानी भर आया ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब मनुष्य दूसरे पर जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में आई नहीं। विश्वसनीयता, विश्वास मनुष्य को जोड़ता है। लेखिका को भक्तिन की कमजोरियां मालूम होने के बावजूद उसको पूरा भरोसा था कि लक्ष्मीन पर, क्यों भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो अच्छा इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस सके। सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, यही तो विश्वसनीयता है जो व्यक्ति को बांधता है। लक्ष्मीन उनकी व्यक्तिगत सेविका है। अब हम देखते हैं चित्रात्मकता। चित्र के समान रेखा चित्र का समग्र चित्रण सुंदर होने पर होना आवश्यक है। यह गुण किसी गद्य रचनाओं को विशिष्ट विध्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है। जैसा ही हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं, हमारे मन में चरित्र चित्रण की सुंदर रेखाएं इस प्रकार उभर कर सामने आई है, जैसे पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने ही खड़ा हो।
यह बात महादेव देवी ने भक्तिन के रूप में रखकर रेखा चित्र को सहज बना दिया था। छोटा कद दुर्बल शरीर पतले होठ कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में आत्मविश्वास समझदारी झलकती है। इन विशेषताओं से समझा जा सकता है कि भक्तिन का रेखाचित्र महादेवी ने अत्यंत मनोयोग से वर्णित करके अंकित किया है। भक्तिन की आंतरिक बाह्य व्यक्तित्व को की जो छाप आंतरिक मन पर पड़ जाती है वह स्मृतियों के सहारे शब्दों में सजीवता कागज पर उतर आई है। भक्तिन ग्रामीण वृद्धा है, उनके स्वभाव और संस्कार का यथार्थ चित्रण महादेवी ने सहज रूप में किया है। इसमें स्वभावगत दुर्बलताएं, संस्कारगत मान्यताएं विद्यमान है। भक्तिन हमारे भारतीय ग्रामीण नारी का प्रतिनिधित्व करके खोखली समाज व्यवस्था पर व्यंग्य छोड़ जाती है। अब हम देखते हैं भक्तिन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं नामक रचना में संकलित पहला रेखा चित्र उनकी सेविका कम और अभिभाविका अधिक मानी जा सकने वाली भक्तिन नामक ग्रामीण वृद्धा के चरित्र पर आधारित है। उसकी चरित्र की विशेषता है पूर्व जीवन सेवापरायणता, बुद्धिमत्ता, स्वाभिमान, धार्मिक आस्था। अब हम देखते हैं पूर्व जीवन। भक्तिन के विगत जीवन पर प्रकाश डालते हुए लेखिका ने लिखा है कि वह ऐतिहासिक झूंसी गांव की प्रसिद्ध एक अहीर सूरमा की इकलौती बैठी थी। वी माता की कथित ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष के वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक को सबसे छोटी पुत्रवधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे चलने रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर वी माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। सेवा परायणता। लेखिका ने भक्तिन को अपने पति सर्व आत्म भाव से समर्पित सेविका के रूप में प्रभाव रूप से चितारा और उभारा है। सेवक धर्म के पालन में उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहा है। भोजन बनाने, घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करने, पठन लेखन आदि कार्यों में व्यस्त लेखिका के लिए हर बात का ध्यान रखने, रात में लेखिका के साथ जगने और सुबह जगने से लेखिका के जगने से पहले
ही आग जाने की जाने से लेकर भक्ति हर समय हर स्थान पर लेखिका के साथ छाया की तरह लगी रहती है। ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित भक्ति ने अपने आप को अपनी ही समझदारी से सेवक धर्म में धर्म के सांचे में पूरी तरह ढाल रखा है। तभी तो लेखिका कहती है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे। बुद्धिमता। भक्ति न तो मूर्ख है और न विद्या बुद्धि के महत्व से अपरिचित। यह उसकी बुद्धिमता और तार्किकता है कि लेखिका के शब्दों में आपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। इतना ही नहीं, एक बार लेखिका ने जब वेतन के समय अंगूठा लगाने के स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया, तब भी बुद्धिमती भक्तिन ने यह तर्क देखकर अपने को बचा लिया कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितबयिन माँ गड़ी रहती है। अब हम हूँ पढ़े लगाव तो घर गिरस्ती कठन देखी सुनी। अब स्वाभिमानी। भक्तिन स्वाभिमानी है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट होता है कि स्वाभिमान वश ही वह पिता की मृत्यु के बाद विमाता के घर में पानी नहीं पीती। स्वाभिमान के कारण ही वह पुनर्जीवन कर लेने का दबाव पड़ने पर भी यह कहकर टाल देती है कि हम कुकरी बिल्ली न होए हमारे मन पुसाए तो हम दूसरे के झाब नाही ते तुम्हार बच्चे की छाती पे दोरहा भुंजब और राज करब समुझे रही। अब हम देखते हैं धार्मिक आस्था। भक्तिन की धर्म में आस्थाई है। पति की मृत्यु के बाद उसका सिर घुटवाना कंठी पहनाना तो इस प्रकार का है कि वह चौके चूल्हे के संदर्भ में भी परंपरावादी है। छुआछूत का बहुत ध्यान रखती है। लेखिका की छात्राएं चौके में न घुस आए इसलिए वह अपना खाना सुबह सवेरे बनाकर ही ऊंची जगह पर रख देती है। इस प्रकार
भक्तिन के चरित्र में हमें अनेक विशेषताएं दिखाई देती है। महादेवी ने उसके चरित्र का चित्रण गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए किया है। उपसंहार के रूप में कहे तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की लोकप्रिय किताब है। इसमें संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित है। इसमें संकलित रचनाओं में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों की विशेषताएं देखने को मिल जाती है। इसका प्रथम रेखांकन भक्तिन का है। भारतीय ग्रामीण नारी भक्तिन की जीवन की संघर्ष यात्रा का मार्मिक ढंग से रेखा चित्र और संस्मरण के माध्यम से अंकित किया है। ऐसा सहज दूसरा रेखाचित्र नहीं मिलता। साहित्यिक क्षेत्र में यह भक्तिन रेखाचित्र अस्मरणीय चरित्र है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूर्ण हुआ।